पंजाब में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े के चलते कैप्टन अमरिंदर को कुर्सी छोड़नी पड़ी, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलों का अंत यही नहीं, क्योंकि पंजाब के अलावा भी कुछ ऐसे सूबे हैं जहां कांग्रेस सत्ता में तो है लेकिन पार्टी आपसी संघर्ष से जूझ रही है। आने वाले दिनों में पंजाब की सियासत का असर इन सूबों पर भी पड़ सकता है। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा सियासी बवंडर उठा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी चली गई। सिद्धू की अगुवाई में विरोधी खेमे के दावे के आगे कैप्टन की एक न चल सकी। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस शासित उन सूबों में क्या होगा जहां पर पार्टी अंदरूनी कलह का शिकार है, जहां के नेता रह रहकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, क्योंकि पार्टी के भीतर खींचतान वाली पॉलिटिक्स सिर्फ पंजाब में ही नहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे सूबों में भी सरकार के बावजूद कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक जैसी स्थिति नहीं है। पहले बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, क्योंकि हाल ही में प्रदेश में जारी कलह दिल्ली दरबार तक पहुंची थी और कहा जा रहा था कि किसी तरह भूपेश बघेल अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हुए थे। पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों में 67 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, जबकि बीजेपी को 15 सीटें मिली थी। बहुमत वाली सरकार में भूपेश बघेल को सीएम पद मिला था, लेकिन उस वक्त भी चर्चा ढाई ढाई साल वाले फॉर्मूले की उठी। अगस्त महीने में पार्टी में सीएम बदलने की चर्चा के जोर पकड़ने के बाद भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को दिल्ली तलब किया गया और किसी तरह टकराव को टाला गया। राहुल जी का वो आने की अपनी सहमति दी है और अगले सप्ताह वो आएंगे, यहाँ के लोगों से, सभी लोगों से मिलेंगे, आदिवासी से, किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों से मिलेंगे। मैं तो मान रहा हूँ कि जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, छत्तीसगढ़ में काम करने का मौका मिला है और जो हाईकमान का निर्णय होता है और होगा उस हिसाब से भविष्य में भी काम करूंगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जंग अभी थमी नहीं है और कभी भी नेतृत्व को लेकर पार्टी के नेता आमने सामने आ सकते हैं। अब बात राजस्थान की, जहां सचिन पायलट खुलकर बागी तेवर दिखा चुके हैं और काफी मशक्कत के बाद किसी तरह कांग्रेस उन्हें पार्टी में बनाए रखने में कामयाब हुई थी, लेकिन चर्चा यही है कि गहलोत और सचिन पायलट के बीच दिल की दूरी कभी भी कम नहीं हुई। कई मौकों पर सचिन पायलट शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत का एहसास कराते रहे। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। व्हाटएवर वर्ड्स ही मे हैव यूज्ड It deeply hurt me, but I chose not to respond to it because I think two wrongs don't make a right. I want to be above that. I want to make it about issues and principles, not about persons and personalities. I think it doesn't work like that in politics. बीते दिनों इस बात की चर्चा थी, राजस्थान के गतिरोध को दूर करने के लिए कांग्रेस ने एक फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसके तहत गहलोत को सीएम बनाए रखने और पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बनाए रखने की अटकलें थी, लेकिन पार्टी की ओर से राजस्थान पर अब तक कोई फाइनल फैसला नहीं किया गया है, यानी कभी भी राजस्थान कांग्रेस में छिड़ा विवाद सिर उठा सकता है। कांग्रेस के लिए प्रदेश स्तर पर पार्टी की अंदरूनी लड़ाई की चिंता की बात नहीं, संकट ये भी है कि सूबों में कई बड़े नेता लगातार कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पार्टी को फिर मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी दमखम लगा रही है, लेकिन प्रियंका की सक्रियता के बीच जितेंद्र प्रसाद जैसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा बीजेपी के साथ चला गया। असम में कांग्रेस को ऐसा ही झटका तृणमूल कांग्रेस ने दिया। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और असम के सिलचर से पूर्व सांसद सुष्मिता देव कांग्रेस छोड़कर ममता की पार्टी में शामिल हो गई। अगले साल यूपी, गुजरात, पंजाब जैसे अहम राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन इन चुनाव की तैयारियों से पहले कांग्रेस को उन सूबों में भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है जहां पर वो सत्ता में है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।